सर्वप्रथम दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की ओर से आदरणीय सज्जन वृंद का हार्दिक अभिनंदन करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आप सभी दिव्य ज्योति जागृति संस्थान परिवार के ध्वज के नीचे बैठे हैं। वह सभा आज जिसका नाम रखा गया परिवर्तन, और उसकी झलक आपने एक लघु नाटिका के रूप में और रोहित अनेजा जी की विचारों के रूप में आपने अनुभव की होगी, महसूस की होगी। परिवर्तन अपने जीवन में सभी चाहते हैं। आप देखें प्रकृति की ओर दृष्टिपात करें, दिन ढलता है, रात आती है, सुबह होती है, शिशिर ऋतु आती है, बसंत आती है, खिजा का मौसम आता है। मौसम एवं ऋतुओं में भी परिवर्तन होता है। मौसम के साथ साथ, प्रकृति के साथ साथ मानव जीवन की ओर देखें। जब एक बच्चे का जन्म हुआ, वह कुछ बड़ा हुआ, तो उसे परिवर्तन चाहिए खिलौनों के माध्यम से, और जब वह युवा अवस्था को प्राप्त हुआ तो उसे टेक्नोलॉजी के माध्यम से परिवर्तन चाहिए। परिवर्तन सृष्टि का अटल नियम है। समय बीतता गया, हमारे भारत देश में समाज की मांग के अनुसार, लोगों की मांग के अनुसार राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक बहुत सारे परिवर्तन हुए। परंतु पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की वह बात मुझे याद आ रही है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व नैनी जेल में बंद थे, और उस जेल में उन्होंने अपनी पुत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी को एक पत्र लिखा, जिसका जिक्र उस पत्र के विषय में विश्व इतिहास की झलक नामक पुस्तक के पृष्ठ नंबर 13 पर वो बताते हैं कि हमारा भारत जो था वो स्वर्णिम युग था। वो लिखते हैं अपनी पुत्री को कि जब हम आज के भारत के बदले पुराने जमाने के भारत को देखते हैं तो हमें वो अधिक सभ्य एवं सुसंस्कृत जान पड़ता है, और हमें यह संशय हो रहा है कि क्या आज का भारत पुराने भारत के बदले में उन्नति कर रहा है, ये आगे बढ़ रहा है या पीछे हट रहा है। और जवाहरलाल नेहरू जी की बातों की झलक आपको आज के समाज के परिवेश में नजर आएगी। आज का समाज जिसमें नशाखोरी, व्यभिचार, भ्रष्टाचार, हिंसा इत्यादि परिस्थितियां भयंकर मुंहबाए खड़ी हैं, समस्याएं हैं, और इन समस्याओं को देखते हुए, भारत की वर्तमान स्थिति को देखते हुए कवि ने व्यंग किया, मेरा भारत महान है, आजाद होते हुए भी गुलाम है, हाथ में सिगरेट, मुंह में जर्दा पान है, युवा पीढ़ी की यही नहीं पहचान है, मेरा भारत महान है, आजाद होते हुए भी गुलाम है। व्यंग कस दिया भारत की परिस्थिति को देखते हुए, और इसीलिए एक विचारक हुए आर्नोल्ड टॉयनवी जी, उन्होंने कहा कि जब समाज में ऐसी परिस्थिति पैदा हो जाए, जब आतंक का साया घना हो जाए, अविश्वास इतना बढ़ जाए कि समाज की दरों दीवारें तक टूटने लग जाए, तब क्रांति आने में देरी नहीं लगती। उन्होंने परिवर्तन शब्द को, बदलाव शब्द को क्रांति से संबोधित कर दिया। आपने विश्व में बहुत सारी क्रांतियों के विषय में पढ़ा होगा, रूस की क्रांति, फ्रांस की क्रांति, जर्मन की क्रांति, ये सारी क्रांतियां कहीं ना कहीं पर जाकर असफल रही, या यूं कह लीजिए कि ये क्रांतियां पूर्ण तौर पर सफल नहीं हो सकी। कारण यही कि समस्या कहीं और है और उपाय अन्यत्र किया जा रहा है। समस्याएं आ रही हैं बाहर के विस्तार से, और उनका मूल, समस्याओं की जड़ हमारे मन में है। इसीलिए आज जरूरत है राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक क्रांति की नहीं, आध्यात्मिक क्रांति की जरूरत है, आध्यात्मिक परिवर्तन की। महर्षि अरविंदो जी ने इसीलिए कहा, व्हाट इज नीडेड नाउ इज अ स्पिरिचुअल वर्कर्स बैंड ऑफ स्पिरिचुअल वर्कर्स हुज तपस्या विल बी डिवोटेड फॉर द सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी। वो कहते हैं कि आज जरूरत है आध्यात्मिक कार्यकर्ता की, जिनकी निस्वार्थ तपस्या और साधना मानव कल्याण के लिए समर्पित हो सके। और इतिहास गवाह है कि जब जब आध्यात्मिक क्रांति हुई तो वह संगठन के माध्यम से हुई।
क्योंकि आध्यात्मिक क्रांति की दूसरी विशेषता, पहली विशेषता ये, पहली खसूसियत ये कि ये क्रांति मूल से जुड़कर भाव आत्मा के स्तर से शुरू होती है और समस्या के मूल से जुड़कर समाधान प्रदत्त करती है। दूसरी विशेषता कि यह आध्यात्मिक क्रांति इसमें संगठित तौर पर ही कार्य किया जा सकता है, इसमें अकेला कोई भी कार्य नहीं कर सकता। और इतिहास गवाह है, चाणक्य का नाम आपने सुना होगा, विष्णुगुप्त जो कि अर्थशास्त्र के प्रोफेसर रहे उस समय के, चाणक्य बने बाद में, और उन्होंने जब देखा कि हमारे भारत देश में यवन सत्ता अपना आधिपत्य स्थापित कर रही है, तब उन्होंने अपने भारत देश के नौजवानों को एकत्रित किया, एकत्रित करकर यवनों को इस देश से खदेड़ दिया संगठन के माध्यम से, और वो आध्यात्मिक गुरु रहे। प्रभु श्री राम आए त्रेता युग में, वानर रीच गिलहरी इत्यादि सभी ने अपने सामर्थ्य से बढ़कर सहयोग दिया, सेवाएं अर्पित की। बुद्ध काल में महात्मा बुद्ध के शिष्यों ने, उन भिक्षुओं ने आध्यात्मिक क्रांति के माध्यम से जन जन के हृदय में ब्रह्म ज्ञान के प्रकाश को प्रकाशित किया, परिवर्तन कर दिया, युग प्रवर्तक परिवर्तन। इसीलिए आध्यात्मिक क्रांति की जरूरत है। आध्यात्मिक क्रांति के बिना समाज को बदला नहीं जा सकता। ऐसा क्यों? वैज्ञानिक हुए आर्किमिडीज जी, उन्होंने कहा, इफ आई गेट ए पॉइंट आई शैल ओवरटर्न द होल वर्ल्ड, यदि मुझे एक केंद्र बिंदु खड़ा होने के लिए मिल जाए तो मैं सारे समाज को, सारे विश्व को परिवर्तित कर दूंगा, बदल डालूंगा। परिवर्तन तो दूर की बात, बदलाव तो दूर की बात। आर्किमिडीज जी जो बड़े मशहूर साइंटिस्ट थे, उनको एक केंद्र बिंदु भी हासिल नहीं हुआ। बाहर की क्रांतियों में, बाहर के परिवर्तनों में, भौतिक समाज में उसकी खोज करते रहे, लेकिन इसका उत्तर दिया स्वामी राम तीर्थ जी ने, जो कि आध्यात्मिक क्रांतिकारी थे, आध्यात्मिक कार्यकर्ता थे। उन्होंने कहा कि वह केंद्र बिंदु आपके अंतःकरण में है, आपके भीतर विद्यमान है। आप उस केंद्र बिंदु को पकड़िए, उस आत्मदेव को देखिए, तो निश्चय ही कोई भी हो, कोई भी विरोधी तत्व हो, कोई भी असफल संभावना हो, आपको, आप उसको सफलीभूत कर सकते हैं। और आज भी दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के रूप में आध्यात्मिक क्रांति आपके समक्ष है, जिसका नाम है परिवर्तन। परिवर्तन जिसमें सर्व श्री आशुतोष महाराज जी ब्रह्म ज्ञान के माध्यम से जन जन को जागृत कर रहे हैं, और इस संस्थान में अधिकतर युवा वर्ग है जो कि देश के उत्थान के लिए सहयोग दे रहे हैं। और महाराज श्री का कहना है कि युवा वर्ग ऐसा नदी का वेग है जिसमें अजस्र शक्ति की धारा है, और यह धारा अपने भीतर नवीन परिवर्तन और सृजन के रत्नों को समेटे हुए चल रही है। यदि तनिक भी इस धारा का पथ भ्रष्ट हो गया, ये डेविएट हो गई, तो फिर इससे विध्वंसक रूप और कोई धारण नहीं कर सकता, इससे भयंकर और कोई नहीं हो सकता। और वर्तमान समय में हमारे युवा नशा, नकारात्मक व्यसन, आतंकवाद, व्यभिचार, भ्रष्टाचार, ऐसी समस्याओं में उलझ चुके हैं, और इन समस्याओं के आघात से उनकी शक्ति जो है, जो वो बलहीन हो चुके हैं, शक्ति से हीन हो चुके हैं। और सर्व श्री आशुतोष महाराज जी ने कहा कि इनके सर्वांगीण विकास के लिए नैतिक शिक्षा जरूरी नहीं है, बाहरी शिक्षा कुछ नहीं कर सकती, नैतिक शिक्षा की बजाय आध्यात्मिक शिक्षा की जरूरत है, आत्मिक जागृति की जरूरत है। और उन्होंने ब्रह्म ज्ञान के माध्यम से प्रमाणित भी कर दिया कि ब्रह्म ज्ञान के ध्यान अभ्यास में जो भी बैठता है, ईश्वर का दीदार करता है, अपने मूल से जुड़ जाता है, अपने आत्मा के स्तर को पकड़ लेता है, तो वह किसी भी व्यसन के विरुद्ध खड़ा हो सकता है, उसका उन्मूलन कर सकता है, जड़ से उस समस्या को उखाड़ कर फेंक सकता है। और इसकी ज्वलंत उदाहरण आप पिछले कुछ समय से सुन रहे हैं, तिहाड़ जेल जिसमें युवा वर्ग कैदी के रूप में बंद था। महर्षि ने ब्रह्म ज्ञान दिया, और ब्रह्म ज्ञान के प्रकाश में उन्होंने अपने अंतःकरण के तम को तिरोहित कर दिया, दिखा दिया दुनिया को कि ब्रह्म ज्ञान में कितनी शक्ति है, आध्यात्मिक जागृति में, आध्यात्मिक परिवर्तन में कितनी महानता है, कितनी शक्ति हुआ करती है। और दिव्य ज्योति जागृति संस्थान जो कि चरित्र निर्माण की कार्यशाला है, मानव सृजन की अद्भुत कार्यशाला है, और हम आप सभी का आह्वान करते हैं
कि आप भी संगठित होकर इस संस्थान का, भाव की दिव्य ज्योति जागृति संस्थान का सहयोग करें, क्योंकि महाराज श्री का एक ही लक्ष्य है कि भारत फिर से जगत गुरु कहलाएगा, भारत में पूरे विश्व में शांति की पुनर्स्थापना होगी और वो होकर रहेगी, क्योंकि संत का वचन जो है उसे कोई टाल नहीं सकता है। और आपने आज इस परिवर्तन की झलक को महसूस भी किया है। और ये मत समझिएगा कि ये आवाहन मात्र दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की ओर से है, ये आवाहन है भारतीय संस्कृति की ओर से, ये आवाहन है भारत माता की ओर से, ये आवाहन है क्रांतिकारियों के बलिदानों की ओर से, जो आपको स्मरण कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हे भारत के पुत्रों, हे भारत की संतानों, उठ जाओ और इस दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के साथ कदम से कदम, कंधे से कंधा मिलाकर चलो, जो आपका आवाहन कर रहे हैं। और हमारे ऋषियों ने भी कहा कि मिलकर चलो, मिलकर रहो, सत्य असत्य का मिलकर तुम उसका निर्णय करो कि क्या सत्य है क्या गलत है, संगठित हो जाओ, फिर से भारतीय संस्कृति को पुनर्स्थापना करना है, उसको पुनर्जागृत करना है पूरी दुनिया में। और इसी के साथ मैं अपने विचारों को यहीं पर विसर्जित करूंगी और अंत में भारत माता के श्री चरणों में उनके पुत्रों की ओर से एक नमन अर्पित करेंगे। भारत माता की, भारतीय संस्कृति की। धन्यवाद।